नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेजिटेरियन फूड स्टैंड में आपका स्वागत है। तो आज बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा मौसम हो रखा था, तो मन कर रहा था कुछ चटपटा सा खा ले, तो सोचा चलो कुछ बना ही लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक गाजर, एक आलू, थोड़ा सा हरा धनिया, आधी कटोरी मैंने पोहा ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने अदरक भी क्रश कर लिया था। आप लहसुन चाहें तो लहसुन भी ले सकते हैं, प्याज डालना चाहें प्याज भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। शिमला मिर्च डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। तो मैं ना सबसे पहले गाजर और आलू को छील के उन्हें मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों चीज़ें फटाफट कद्दूकस कर ली। अब दोनों को मिला दूँगी। ये देखिए, अब इधर हम रख देंगे कढ़ाई गैस पे। मैंने धनिया वनिया भी काट लिया था। अब इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे, और इस ऑयल में हम राई और हींग डाल के उसे पहले तड़का देंगे इसका। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कमेंट करिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और जो नए हैं मेरी वीडियो पे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आप तक, अगली वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ये देखिए, मेरा राई और हींग तड़क चुका था, तो मैंने इसमें डाल दिया आलू और गाजर। इसको थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, मैंने 2 मिनट के लिए इसे, 1 सेकेंड के लिए, 2-3 सेकेंड के लिए इसे फटाफट जैसे घी में ही चला लिया। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। जैसे मैंने आधा कटोरी पोहा लिया है, तो अगर हम इसको चाहें तो हम पोहे को पीस के भी ले सकते हैं। मिक्सी में पीस लीजिए, आप इसका पाउडर बना लीजिए, पर मैं इसे ऐसे ही डालूंगी, पीसूंगी नहीं। तो मेरा अगर पीसती तो ये आधे कटोरी से भी कम पोहा होता। तो मैंने 1 कटोरी से कम पानी लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा पानी मैं अभी डाल दूंगी, थोड़ा सा बाद में। पानी डाल दिया मैंने थोड़ा सा, उसमें हरा धनिया डाल दिया मैंने, ये देखिए। और इसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी लाल मिर्च, तीखी वाली, मेरे पास हरी नहीं थी, थोड़ी सी डाली, कभी ज़्यादा तेज ना हो जाए, ये देखिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें ओरिगैनो डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा नमक भी डाल दें आप। अब इसमें मैं डाल दूँगी कम से कम 1.5 चम्मच के करीब बेसन, ये बाइंडिंग के बड़ा अच्छा काम आता है, बाइंडिंग इससे अच्छी हो जाएगी। और फिर मैं डाल दूँगी पोहा, मैंने इसे भिगोया नहीं, ऐसे ही डाल दिया, देखिए, क्योंकि पानी में अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगा अभी, क्योंकि इसमें पानी था, ये देखिए। अब मैं इसको मिला लूँगी पहले अच्छी तरह से, ताकि सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिल जाए, नमक मिर्च सब। अब मैं इसे सिर्फ दो मिनट के लिए इसे पका लूँगी, ताकि सॉफ्ट हो जाए आलू भी और गाजर, जो अगर कमी होगी तो वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी, और ये पोहा भी। तो ये देखिए, हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया। मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया था जो हमने घिसा था, आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल दीजिए, शिमला मिर्च भी डाल दीजिए, जो आप खाते हो, जो आपको सब्ज़ी पसंद हो वो डाल दीजिए। ये देखिए, ये मेरी पक चुकी है, मैंने गैस कर दी है बंद। अब मैं इसे एक प्लेट पे निकाल के ठंडा कर लूँगी थोड़ी सी देर के लिए। ये खाने में इतना टेस्ट लगेगा, क्रिस्पी सा बनेगा, और बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे फटाफट से बनाइए और खाइए। तो देखिए, मेरा ठंडा हो गया था। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा अमचूर पाउडर और भुना हुआ जीरा मैंने डाल दिया, और थोड़े से डाल दिया मैंने 1 चम्मच करीब भर के तिल। उसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। तिल से ना इसमें बड़ा क्रंची सा टेस्ट आएगा, बड़े टेस्टी लगेंगे ये। तो ये देखिए, मैं इसमें इसको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। हाथ से मैंने मिला लिया है। अब एक प्लेट पे भी थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया ताकि चिपके ना, और हाथ पे भी लगा लिया। अब आप इसको जिस भी शेप में बनाना चाहें, हाथ पे ऑयल लगा के, सिलेंडर या गोल या पैटीज टाइप, जैसा भी स्क्वायर, जो बनाना चाहें वो शेप बना लीजिए। तो मैं थोड़ा सा सिलेंडर शेप में ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, मीडियम मीडियम साइज़ के। ये देखिए, अब इसे प्रेस करके आसानी से बन जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मेरे बन चुके हैं। अब मैंने उसी कढ़ाई को धो के हल्का सा, और मैंने उसमें ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। अब जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा, ये देखिए, अब मैं इसमें ये अपने डाल दूंगी। आराम से डालिएगा, इसे पलटिएगा नहीं, वरना ये आलू आलू है ना, क्योंकि लच्छे हैं आलू के, निकलने का डर रहता है। इस तरह से इसमें मैं डाल दूंगी धीरे धीरे, जितने मेरे कढ़ाई में आएंगे, 3, 4, 2 जितने आएंगे। और इसे पहले मैं सिकने दूंगी एक तरफ से, और फिर धीरे से इसे पलट दूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने इसको पहले पलट दिया था, और डाल दिए थे साथ में। और अब मैं देखिए इसे पका लूँगी इनको भी। ये देखिए, इसको अलट पलट के हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। ज़्यादा तेज़ आँच मत करिएगा, वरना ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर से फिर भी थोड़ा सा रह जाएगा। इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि आलू भी पके हुए हैं, हमारा पोहा भी सॉफ्ट है। ये देखिए,
हमारे ये पक चुके हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए। ये देखिए, ये मेरे जो बनते जा रहे हैं मैं उन्हें निकालती जा रही हूँ और इसमें और डालती जा रही हूँ। ये देखिए, अगर आप इसे एकदम से ही चलाएंगे ना तो फटने लगेंगे, मतलब कि आलू ये सब कुछ अलग अलग बिखरने लग जाएंगे। देखिए, मैंने दूसरी बार जो थे वे भी कर लिए हैं और ये मेरे बन के हो चुके तैयार। ये देखिए, आप खाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा, और मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे बनाने में। और दिखाती हूँ आपको मैं, देखिए कितने क्रंची बने हैं। ये देखिए ऊपर से कितने क्रंची हैं। देखिए, अब भी बनाइए और खाइए, बारिश का मज़ा लीजिए। इस तरह बारिश में इस तरह की डिशेज़ भी अच्छी लगती है ना।